गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अ न्यू टॉपिक दैट इज द फ्लावर बायोलॉजी ऑफ सिसेमम। सिसेमम यह इसको तिल भी बोलते हैं और इसका बॉटनिकल नेम सिसेमम इंडिकम है। ओके, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देख सकते हैं, ये एक प्लांट है सिसेमम का, जिसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, तो सिसिमम की जो स्पीसीज है, इम्पोर्टेंट स्पीसीज दो है, दो वाइल्ड स्पीसीज है, एक तो सिसिमम प्रोस्टेटम एंड सेकेंड है सिसिमम लैंसिनेटम। ठीक है, ये तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। और सिसिमम का जो इम्पोर्टेंस है कि मतलब ये सभी को पता है कि ये ऑयल सीड क्रॉप है, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन में इसको काम में लिया जाता है। और लगभग इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो 37 से लेकर 52% तक होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो लगभग 20% है, यानी कि ऑयल भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये सिसिमम ऐसी क्रॉप है जिसमें एक तरह का मतलब कि परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा टाइप से है ना। सीरियल प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट सिसिमम में ज़्यादा है। ठीक है, और इसका प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा है, 20% तक इसमें प्रोटीन है। और इसके अलावा इसमें जो विटामिन ई, जो बहुत सारे विटामिन होते हैं ABCDE, तो उन सभी के अंदर इसमें विटामिन ई कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, और ये एडिबल पर्पज़ के लिए तो काम में लेते हैं, सोप वगैरह से बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो ऑयल की जो प्रॉपर्टी वो काफ़ी स्टेबल है, यानी कि ख़राब इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। और जनरली जो ऑयल जो ईस्ट जो सिसिमम ऑयल है वो जनरली जो जो हॉट एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, जो है ना राजस्थान जैसे UP हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, तो वहाँ इसको ये ऑयल खा सकते हैं। ठीक ना, तो ये बेकरी वगैरह जो टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह उनमें भी ये बनाया जाता है, और गाय वगैरह या भैंस वगैरह होती है उसकी खली वगैरह बनाने में भी इस ऑयल का काम, इसका जो खली होती है जो तेल निकालने के बाद में जो जो वेस्ट बचता है उसी को खली बना लेते हैं, फिर वो जानवरों को भी खिलाई जाती है। इसके ग्रीन कलर के या मतलब ब्लैक कलर के भी सीड होते हैं, तो आप ये इसका ये इम्पोर्टेंस है मेनली तो ये ऑयल के पर्पज़ में, और लगभग 52% तक इसमें ऑयल है और 20% तक प्रोटीन कंटेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, और विटामिन का भी ये बहुत अच्छा स्रोत है। अब ये देख सकते हैं कि इस स्लाइड में कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन जो तिल का है वो है अफ्रीका है। ठीक है, और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन इंडिया है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन का मतलब होता है कि मेनली इसकी जो वास्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है वो अफ्रीका के अंदर है, उसके बाद में इंडिया है इसका सेंटर ऑफ ओरिजन सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजन से कुछ मतलब कुछ क्या बहुत सारा जो डाइवर्स प्लांट है जो वाइल्ड हो गए उनको किसी दूसरे स्थान पर ह्यूमन के द्वारा लाया गया है, तो उसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन बोलते हैं। और वो इंडिया इसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजन है और प्राइमरी अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका काफ़ी क्रॉप का भी है, सोरगम वगैरह जैसे जवार हो गई तो उनका भी फावाबीन वगैरह का भी ये होता है अफ्रीका सेंटर ऑफ ओरिजन। ठीक है, और जो स्पीसीज है पहले मैंने बताया थी ये वाइल्ड स्पीसीज, इसके अलावा और भी इसके अदर स्पीसीज है ना, जैसे इंडिकम हो गई जिसका क्रोमोसोम नंबर 26 होता है, मतलब ये कल्टिवेटेड स्पीसीज है जो हम जिसे ग्रो कर रहे हैं अभी, जिसे हम तेल वगैरह निकाल रहे हैं या प्रोटीन या विटामिन ई कंटेंट निकाल रहे हैं, वो जो नॉर्म जो इसके कल्टिवेटेड स्पीसीज से निकाल रहे हैं वो इंडिकम से निकाल रहे हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर 26 है। ओके, और दूसरा रेडिएटम है 64 है, काफ़ी मतलब कि इसमें क्रोमोसोम में वेरिएशन भी है, यानी कि 26 और 64, 32 और 26 भी है। ठीक, तो ये इसके क्रोमोसोम में काफ़ी वेरिएशन है, और डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं। एक्सीडेंटल में देखेंगे तो 64 क्रोमोसोम हो गए। हाँ, ग्रैंडिफ्लोरियम है जिसके अंदर 26, ये कल्टिवेटेड स्पीसीज के लगभग ही इसमें बराबर है। और लैंसिनेटम जिसके अंदर 32 है, और प्रेस्टेटम में जिसमें भी 32 है लगभग, तो ये इसके दो स्पीसीज लगभग जिसमें दो सेमी क्रोमोसोम है। अलांटम में भी 26 क्रोमोसोम है, यानी अलांटम, ग्रेडिएटम और इंडिकम, इन तीनों में 26 क्रोमोसोम हो गया, और रेडिएटम में 64 और एक्सीडेंटलम में भी 64 क्रोमोसोम है। अब इसके जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो एक तरह के पेरिनियल हर्ब है। ठीक है, पेरिनियल का मतलब है कि जनरली जो सीरियल या पल्सेज वो एनुअली होती है, यानी एक ही सीजन में चलते हैं, यानी कि दो या उससे ज़्यादा सीजन, मतलब दो सीजन से ज़्यादा इसको उगाया जा सकता है, मतलब कि कंटिन्यूस चलेगी ये, मतलब एक साल से ज़्यादा चलेगी है ना, एक से ज़्यादा सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है उसको पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ है,
है ना, डिटरमिनेंट ग्रोथ से बोलते हैं। जैसे फ्लावर आ गया, अब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, अब इसमें फ्लावरिंग और भी चलती रहती है और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी चलती रहती है, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ। तो सिसिमम की जो ग्रोथ हैबिट है कि जैसे उसकी फ्लावरिंग फ्लावर भी बनते जा रहे हैं और उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उस स्टेम की लंबाई वो भी बढ़ती जा रही है, और जो इसकी जो लीफ होती है, जो इसकी पत्तियां हैं वो सेसाइल है ना। दो टर्म होती है, पेडिसिलेट एक सेसाइल। पेडिसिलेट यानी कि जो लीफ की पत्तियां है उसमें स्टॉक होगा, मतलब कि पत्तियां किसी स्टॉक के द्वारा स्टेम से जुड़ी रहती है, और सेसाइल में नहीं, वो स्टॉक एब्सेंट होता है इनके अंदर, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। अब इसकी जो फ्लोरल फाइलोलॉजी की यदि हम बात करें तो चार मेन कंपोनेंट होते, कोई भी कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा एंडोशियम, चौथा गाइनोशियम। अब जो कैलिक्स से जो मतलब कि जैसे होता है एक तो बड़ा सा फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे एक ग्रीन ग्रीनिश कलर का, जैसे मतलब आप कॉटन में या ब्रिंजल में देखेंगे नीचे से एक ग्रीनिश कलर का मतलब चिपका रहता है, परसिस्टेंट होता है, ग्रीनिश कलर का एक पत्तेदार स्ट्रक्चर होती है ना, डैक्ट टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको कैलिक्स बोलते हैं। और ये कैलिक्स क्या है वो इसमें सिसिमम में भी होता है, और ये जो कैलिक्स है बहुत छोटा होता है और वेलवेट होता है, यानी कि मतलब कि वेलवेट कलर टाइप से होता है, है ना, नेरो भी वेस होता है, और पांच लोब में होता है, फाइव लोब्स होते हैं, पांच ब्रैक्स टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। जो जो नीचे वाला होता है ब्रैक्ट है ना, जो सेपल है नीचे वाला वो ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि सेपल्स मतलब सेपल ईच यूनिट्स होती है, वो सारे सेपल मिलकर कैलिक्स बनाती है। तो जो नीचे वाला जो सेपल्स है या नीचे वाला जो कैलिक्स का जो पार्ट है वो ऊपर वाले से हाँ लॉन्गर होता है, बड़ा होता है। तो चीज़ इसमें से इतना याद करना है कि ये छोटा होता है, नेरो वेलवेट कलर का होता है, और पांच लोब्स इसमें होते हैं। और कोरोला की बात करें तो कोरोला का जो कलर है ना, ये मतलब कि आप कहीं पे देखेंगे तो कैलिक्स में ज़्यादा कलर का वेरिएशन नहीं हुआ, लेकिन कोरोला के कलर में वेरिएशन होता है, क्योंकि ये हेल्प क्योंकि इंसेक्ट को यदि आपको अट्रैक्ट करना है पोलिनेशन के लिए या क्रॉसिंग के लिए, तो आपका जो कोरोला का जो कलर जितना अच्छा होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप देखेंगे कैलिक्स में कोई वेरिएशन कलर में वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन कोरोला के कलर के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा कि ये वेलवेट भी होता है, पिंक कलर का होता है, सॉरी मतलब कि दिल के केस के अंदर यहाँ पे वेट आपको वाइट भी मिल जाएगा और पिंक भी मिल जाएगा और पर्पल भी है ना, पर्पल आल्सो पाया जाता है, वाइट पिंक और पर्पल तीन टाइप का ये कोरोला का कलर पाया जाता है। और इसकी सरफेस होती है जो इनर जो कोरोला की कोरोला की ट्यूब है उसके अंदर रेड स्पॉट्स मिलते हैं, और लीनियर पोर्शन में भी होता है, लीनियर पोर्शन के अंदर स्पॉट स्पॉट धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे उसके अंदर, और यहाँ पे ब्लैक कलर के भी स्पॉट्स मिल सकते हैं जिसमें पर्पल या येलो ब्लॉचेज यानी कि वो स्पॉट्स और वो ब्लॉच में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा और बड़ा स्पॉट टाइप से जो कि छित्रा टाइप से मिलेगा। और यदि तीसरी बात करें कि एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम जो कि मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तिल के केस के अंदर क्या पांच स्टेमंस है, और पांच स्टेमंस के अंदर केवल चार ही स्टेमंस है वो फंक्शनल है, बाकी पांचों स्टेमन कोई काम का नहीं है कि वो स्टराइल टाइप का है, नहीं होने से बराबर है उसका, ठीक है ना। और जो चारों स्टेमंस है वो ग्रीनिश टाइप के कलर के होते हैं, ठीक है, और पैर के अंदर होते हैं, और एक पैर जो होता है ना, एक पैर यानी कि दो दो स्टेमंस क्या होंगे वो छोटे होते हैं बाकियों से, बाकी दो होते हैं, दो बड़े हो गए दो छोटे हो गए, ठीक है। अब गाइनोशियम की बात करें तो ये बायलोब्ड होता है, ये ऊपर की तरफ से मुड़ा हुआ और दो लोब में होगा ये, ठीक है। टर्मिनल है, फिलीफॉर्म है, फिली यानी उसके अंदर फिलीफॉर्म यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत रोए उसमें निकलेंगे, फाइबर्स में छोटे छोटे फाइबर्स या छोटे रोए उसमें निकले हुए रहते हैं, तो वो गाइनोशियम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। बायलोब्ड मैंने बता दिया, हेरी हेरी टाइप की स्ट्रक्चर होगी, आपको डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये फ्लावर प्लांट दे रखा है, अब इस प्लांट के अंदर अब ये फ्लावर है, पिंक टाइप का फ्लावर दिख रहा है। अब जैसे इस फ्लावर को आप ओपन करेंगे तो ओपन आप देखिए सेकंड डायग्राम के अंदर, जैसे फ्लावर का जैसे ओपन किया तो इसमें स्टेमस दिखाई दे रहे हैं और पिंक किस टाइप का ये कोरोला दिखाई दे रहा है, और जो नीचे जो आपको जो फाइव लोब्ड या स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो ग्रीन इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन इस टाइप की स्ट्रक्चर आपका कैलिक्स है, और ईच जो पार्ट है उसको सेपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें जुड़ाव रहता है आपके तिल के अंदर,
ठीक है ना। और आपके स्टेमंस तो दिखाई दे रहे हैं, ये भी जो स्टेमंस है इसमें बहुत अच्छी बात है, मतलब अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका मतलब ग्रीन ग्रीन जनरली होते नहीं यहाँ पे, मतलब कि राइस के केस में आप देखेंगे तो वहाँ पे स्टेमंस का कलर येल्लो होता है, यहाँ पे जो स्टेमंस का कलर है वो ग्रीन इस टाइप का है, ठीक है। और करोला का कलर आपको पिंक दिखाई दे रहा है फिर, ठीक है। ये आपके ऊपर जो गाय एंडोशियम की स्ट्रक्चर है, चार एंडोशियम, चार स्टेमंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे जस्ट एंडोशियम के नीचे देखेंगे तो वो क्या है, गायनोशियम की स्ट्रक्चर है, और जो कि बाइलोब फिलीफॉर्म हेरी टाइप की गायनोशियम आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो फिलीफॉर्म दो लोब दिखाई दे रहे हैं, दो गायनोशियम है, दोनों दोनों साइड से खुली हुई है एक तरह से, जैसे कोई मतलब धनुष टाइप से खुली हुई है, ठीक है। ये वाला हो गया गायनोशियम। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इधर राइट हैंड साइड के अंदर देखिए कि ये ओवरी का डायग्राम है, ओवरी का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है ना, ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि इसको टीएस है उसका ओवरी का। तो अब इसकी जो ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ओवरी में चार लोब्ड है और चारों के अंदर चार सीड होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी में ओवरी में हुआ है, वहाँ से ही सब कुछ मतलब एम्ब्रियो सेक बनता है, तो चार एम्ब्रियो साइड से एक हो गए, तो अब इसमें चार सीड बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में। और ये जो सेप्टम है, जैसे ये चारों लोब जो चार लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, चार सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक सेप्टम से ये डिवाइड है, लेकिन ये सेप्टम एक्चुअल में सेप्टम नहीं, जस्ट थोड़ा सा ही मतलब कि पूरा एकदम क्या बोले हैं, पूरी तरह से वाल नहीं है, मतलब रेड्यूस टाइप के या ऐसे फालसी फाल्स टाइप की वाल है, एक्चुअल वाल नहीं है ये जो कि डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो ये है इसका ओवरी का डायग्राम हो गया। और ये एक इस डायग्राम में ये दिखा रखा है कि ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट है फ्लावर का, मतलब कि ये शुरू में छोटा था, बड़ा बड़ा फिर बड़ा होता गया, स्मॉल से लार्ज फ्लावर बनता गया ये, और बाद में जब मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद में एक जो इसका पोड देखिए, ये पोड भी दिखाई देता है, एक छोटा सा ग्रीनिश टाइप की पोड है, और इस पोड के आसपास ही एक मतलब छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है इसमें, जिसको एक बोलते हैं नेक्टेरियस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इन नेक्टेरियस ग्लैंड से क्या होता है, नेक्टर टाइप का सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। इस नेक्टर मतलब कि ये नेक्टर क्या करता है, मतलब जो कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स हो गए और जो भी कुछ है ना, तो उससे बचाने के लिए काम में लेता है ना। तो मतलब कि ये प्रोटेक्ट करता है खुद को, तो ये नेक्टेरियस ग्लैंड पाई जाती है, उसके ऊपर ये ग्रीनिश टाइप का है, बाद में मेच्योर होने के बाद में ये जो पोड है तिल का वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब इसमें सेल्फिंग की बात करें कि कैसे होता है, जस्ट कुछ नहीं करना, ये फ्लावर है, सेल्फिंग कैसे होती है, जस्ट फ्लावर है, फ्लावर को एक दिन पहले ही जो फ्लावर है उसका बेकिंग कर दो, ठीक है। 12-16 घंटा पहले उससे एक पेपर बैग होता है, पेपर बैग से बेकिंग कर दो, और एक्चुअल में जो कॉटन है ना, कॉटन सेल्फ पॉलिनेटेड ही क्रॉप है, सॉरी कॉटन क्या तिल, तो कॉटन तो ऑफन क्रॉस होती है, तो ये तिल बट रहे हैं, तो ये तिल है ये मतलब कि सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इसमें सेल्फिंग करना तो कोई बड़ी बात नहीं, इजी से हो जाएगा, क्रॉसिंग बहुत कम होती है, 6% या 6.5% तक इसमें क्रॉसिंग हो पाती है, तो ये ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो सेल्फिंग करना तो बहुत ईजी, इसमें जस्ट आपको क्या कर देना है, बेकिंग कर देना है, और अपने आप ही उसके पॉलिन उसमें गिरेंगे तो सेल्फ सीड आपको ईजिली से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्रॉसिंग कैसे करेंगे, क्रॉसिंग करना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, जैसे आपको जैसे फ्लावर मेच्योर होने वाला है या आपको क्रॉसिंग करनी है तो कल क्रॉसिंग करनी है, तो आज को आज के दिन क्या करना है, आज शाम को जाके जैसे अभी कह रहे हैं 5 से 6 बजे, ठीक है, जैसे कल आपको क्रॉस करना है तो आपको आज ही 5 से 6 बजे को शाम को फ्लावर को सेलेक्ट करना है, और फ्लावर को सेलेक्ट करके कोरोला को हटा देना, जो जो अपने पिंकिश टाइप का वाइट और पिंकिश टाइप का जो कोरोला दिखा है उसको हटा देना है, ठीक है। उसको हटा दिया, उसको हटाने के बाद में उसके चार आपको स्टेमंस दिखाई देंगे, चार स्टेमंस को काट दो, हटा दो, ठीक है। बाद में उसको पेपर बैग से ढक दो, फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसको ढक दिया, नाम पता लिख दिया कि नाम पता क्या, मतलब मेल और मेल फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर का नाम लिख दिया, कितनी बजे आपने इमेस्कुलेशन किया उसका डेट लिख दिया, ठीक है। वो जाने के बाद आपको नेक्स्ट डे सुबह के 7 बजे को, 5 से लेकर 7 बजे नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग ही आपको नेक्स्ट डे आपको जाना है, और मेच्योर जो भी आपका पोलन ग्रेन है वहाँ से वो पोलन ग्रेन को लेना है, और स्टिक वहाँ पे मतलब पूरा डस्ट कर देना है या उसे रगड़ देना है, रब कर देना है,
और या ब्रश से लिया बहुत सारा पॉलन ग्रेन, उसके ऊपर ऐसे से रब कर दिया स्टिग्मा की सरफेस पे जो फीमेल है उसकी, और बाद में अगेन उसको बैगिंग कर दिया। और डेटो बैगिंग करने के बाद में अगेन आपने मेल फ्लावर का नाम लिख देना, फीमेल फ्लावर का भी नाम वो तो लिखा हुआ ही, तो मेल फ्लावर का भी नाम लिख देना कि यहाँ से हमने पॉलन ग्रेन लिया, और डेटो पॉलिनेशन भी लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाता है। एक दूसरी जो टेक्निक होती है इसके अंदर सोडा स्ट्रो भी काम में लेते हैं। सोडा स्ट्रो में कुछ नहीं है, सोडा का स्ट्रो काम में लेना है। जैसे कल क्रॉसिंग करना है तो आज के दिन क्या करना, परोला को हटाना, स्ट्रो को ऐसे बिल्कुल फ्री हैंड से जो उसका जो है फ्लावर है, फ्लावर जो इसका स्टेमेंस है और फिर बीच में पिस्टिल है, वो फ्री हैंड से स्ट्रो को मतलब उसको क्या बोलता है स्लिप करना है, धीरे धीरे स्लिप करना है। तो स्लिप करने से क्या होगा, सारे के सारे अंदर वहाँ से निकल जाएंगे, फिर निकल जाएंगे पैकिंग कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे जाना है आपको सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 7, उसके बीच के अंदर जो मैच्योर जो पॉलन ग्रेन है मतलब कि जो एंथेसिस हो चुका है, पॉलन वहाँ से निकल रहा है मेल पार्ट से, वहाँ से इकट्ठे करना है और स्टिग्मा की सरफेस पे उसको रब कर देना है, या ब्रश की सहायता से उसको छिड़क देना है या डस्ट कर देना है, और उस पर मेल और उसको बेकिंग कर देना, बेक के ऊपर लिख देना मेल फ्लावर का नाम, फीमेल फ्लावर का नाम, डेट ऑफ इमेस्क्रिप्शन, डेट ऑफ पॉलिनेशन। तो इस हिसाब से आपका ये क्रॉसिंग भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्रॉसिंग की दो टेक्निक हो गई, एक तो नॉर्मल है दो चीज़ें, एक तो नॉर्मल जो मेथड है बस कोरोला, जिस जो फीमेल फ्लावर है उसका जो कोरोला है कोरोला को हटाना है, और उस मेल और उसके अंदर जो मेल पार्ट है स्टैमेंस उसको रिमूव कर देना, अगेन बेकिंग कर देना, और नेक्स्ट डे जाके मैच्योर पॉलन ग्रेन लेके उस पर छिड़क देना है। दूसरा सोडा स्ट्रा में क्या करना है, सोडा स्ट्रा में सोडा स्ट्रो लेना है और उसको क्या करना है, उसको स्लिप डाउन कर देना है, जो पिस्टिल की पिस्टिल है उसके चारों तरफ जो स्टेमेंस लगे हुए हैं उसको, तो सोडा स्ट्रो क्या करेगा, तो जैसे स्लिप डाउन करेंगे तो सारे के सारे स्टेमेंस निकल जाएंगे, और कोरोला को आपको हटाई देना उससे पहले, और उसको बेगिंग कर देना, नहीं तो 5 से 7 बजे तक जा सुबह 5 से 7 बजे जाना है, और उसको डस्ट कर देना पॉलन ग्रेन को, और अगेन उसको पैकिंग कर देंगे ना, और मेल फीमेल का नाम, डेट ऑफ इमेस्क्यूलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन आपको लिख देना है। ऐसे करके आपका ये आपका क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तेल में आपको यही समझना है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, वाइल्ड स्पीसीज कौन सी है, कल्टिवेटेड स्पीसीज क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, और कैलिक्स कोरोला एंडोशियम गाइनोशियम के बारे में थोड़ा सा आना है, और क्रॉसिंग और सेल्फिंग कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, कि क्रॉसिंग का टाइम क्या है सेल्फ, और मतलब कि पॉलिनेशन का क्या टाइम है, और आपका इमेस्क्यूलेशन का क्या टाइम है। इमेस्क्यूलेशन का तो आपको शाम को 5 से 6 बजे तक है, और आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो सुबह ही है 5 से लगभग 7 बजे, लगभग सेम ही टाइम लगभग हो रहा है, AM PM का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये देखना है। ओके, थैंक यू सो मच, और कोई भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।